हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिविटी स्टैंड्स हियर। आज की वीडियो अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान की है। हम चल पड़े हैं, हम बालीगंज से चले हैं और यहाँ से आधा घंटा लग जाएगा। बस स्टैंड की बात करूँ तो बिल्कुल नज़दीक है और रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है। हावड़ा जंक्शन इसके सबसे नज़दीक है 7 किलोमीटर, सियालदा भी नज़दीक ही है, दोनों की सेम ही डिस्टेंस पड़ती है। यदि एयरपोर्ट की बात करूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट यहाँ पे है और 17.4 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। हम लोग पहुँच चुके हैं, एलिवेटर से हम दूसरी साइड में जाएंगे। ये ब्रिज के ऊपर आ गए हैं, रोड के उस पार है वो, तो हम ऊपर से, मैंने ये स्लिप किया थोड़ा सा, ये हम आ गए हैं। ये इसका एंट्रेंस है, ये देखिए अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान, जिसे अलीपुर चिड़ियाघर या कोलकाता चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना प्राणी उद्यान है। कोलकाता का ये एक प्रमुख आकर्षण है। इसके खुलने की बात करूं तो 1 मई 1876 को आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया था। इसे अद्वैत नामक कछुए के नाम से भी जाना जाता है, जो विश्व में किसी भी प्राणी से लंबी आयु का था। ये देखिए गोरिल्ला, इनकी एक्टिविटी देखिए कैसे ऊपर जाके बैठ गया और वहीं से टॉयलेट कर रहा है। मैंने सारे बोर्ड की फ़ोटो आपको इसलिए दिखाई है कि आप यदि कुछ जानना भी चाहें तो यहाँ पे देख के आप आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे पशुओं की काफ़ी स्पीसीज हैं। मैं यहाँ बात करूँ स्पीसीज की तो 108 स्पीसीज हैं पशुओं की, 108। दिस इज ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया था। अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान के बारे में अभी तक हमने बुक्स में ही पढ़ा था कि भारत का सबसे पुराना प्राणी उद्यान है, लेकिन आज मैंने इसे लाइव देखा है, अपनी आंखों से देखा है, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। यहाँ पे टोटल जो एनिमल्स हैं 1266 हैं, यानी कि 1266 कैट, और इससे पहले हमने बियर देखा था। यहाँ पे ये दिया हुआ है स्क्रीन पे पशु जातियों की संख्या 108, द नंबर ऑफ स्पीसीज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माउस डियर हैं, ये बैठी हुई हैं जो सर्कल के अंदर मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे एवरी ईयर 30 लाख, यानी कि जो विजिटर्स हैं एनुअल विजिटर्स, वो 3 मिलियन आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पूरी व्यवस्था की गई है, टॉयलेट वगैरह की भी, तो पीने के पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। ये कैसोरी है, ये हमारी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं इसको कवर करूँगी, काफ़ी लंबी वीडियो बन रही थी इसलिए मैंने इसको अलग अलग पार्ट में बनाना समझा, तो मैं सारे पार्ट्स आपको कवर करवाती चलूँगी। बस आप पेशेंस बनाए रखें और एंजॉय कीजिए। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये जो है फर्स्ट में 1876 को जनता के लिए खोल दिया गया था, तो 24 सितंबर 1875 में बनकर तैयार हो गया था। और इसको जो बनाने में जिसका सबसे बड़ा ज़्यादा योगदान है वो है भारत के गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेजली, उनके सहयोग से ही ये खोला गया था। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है, आइसक्रीम, खाने पीने का जो भी आपको चाहिए यहाँ पे मिलेगा। ये हैंड वॉश के लिए नल लगा रखी है और यहाँ पे ये मैप के अकॉर्डिंग हमें जाना होता है। ये देखिए ये मैप दिखाया गया है,
एंड इसके अकॉर्डिंग हमें घूमना होता है। ये जो पार्क है इसकी खूबसूरती अद्भुत है, प्रेरणादायक है, और जो लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए एक आदर्श कैनवास है ये स्पोर्टी डियर। आ गए यहाँ पे, ये बैठा हुआ है। यहाँ पे लोग अपना वीकेंड मनाने के लिए आते हैं, सैटरडे संडे की जब छुट्टी होती है तो लोग यहाँ पे अपना आ जाते हैं मॉर्निंग में ही, और पूरा दिन वहीं पे बिताते हैं परिवार के साथ, अपना खाना ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ साथ में लेके जाते हैं और वहीं पे पूरा दिन अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एक आदर्श जगह है घूमने के लिए। यहाँ पे क्रोकोडाइल हैं, ये देख सकते हैं आप कैसे सुस्ता रखे हैं। एक उस साइड है जहाँ पे मैंने सर्कल करके एरो किया है। अभी कोरोना की वजह से बंद पड़ा था, लेकिन अभी काफी रस है यहाँ पे। ये नील गाय, नील गाय जो गांव में खेतों में काफी मिल जाती है। यहाँ पे कुछ बर्ड्स थे, ये बार्किंग डियर हैं। डियर के भी यहाँ पे काफी स्पीसीज हैं, तो डियर बार्किंग डियर। तो यहाँ पे ये देखिए गर्मी का टाइम है, ये बेचारा इतना तेज हाँफ रहा है। ये मैं आपको एक थोड़ा सा नज़दीक से दिखाती हूँ, इनको कितना गर्मी लगती होगी, ये इतना तेज़ी से ऐसे हाँफ रहा था। देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको, कैमरा रुकेगा तो इस जगह है। ये देखिए देखिए कैसे हिल रहा है, गर्मी से इनकी जो हालत है काफ़ी ख़राब थी। और हम अभी आगे बढ़ते हुए चल पड़े हैं, मैं चारों तरफ से आपको दिखा देती हूँ। ये सांबर डियर, यहाँ पे ये सारे जानवर जितने भी मैंने देखे सारों की हालत खराब हो रखी थी। इनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो खुले आसमान के नीचे ही हो सकती है। अभी इनका जीवन जो है वो बंद चुका है, एक क्राइटेरिया इनके साथ लग गया है, उसके अंदर ही इनको जान है, तो ये अपनी ग्रोथ इतनी अच्छे से नहीं कर पा रहे। ये कंगारू है और ये घड़ियाल आ चुका है, ये भी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जितने भी डेजिग्नेशन ऑफिसर्स हैं किनके चार्ज में है, ये कौन इनकी देखरेख करता है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं राइनो की। यहाँ पे टू टाइप्स के राइनो थे, एक वन होन जो आसाम में पाया जाता है, तो एक ये सिंपल वाला, तो वो अंदर की साइड में था, उसका गेट बंद था तो हम उस साइड नहीं जा पाए। तो ये वाला राइनो मैंने इसका थोड़ा सा शूट किया। ये देखिए कैसे सूखे पत्ते ही खा रहा है, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको कितना भूख लगती होगी और कितना खाना मिलता है, कितना कर पाते हैं ये। ये देखिए बेचारा सूखी पत्तियां ही खा रहा है। दूसरे वाले के यहाँ पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 108 पशुओं की जाति है और 30 लाख लोग यहाँ पे हर साल एनुअल विजिटर्स जो हैं वो आते हैं, विदेशों से भी घूमने आते हैं। ये सबसे पुराना प्राणी उद्यान है जो 1800 सदी में बनाया गया था।
लेकिन जिनको फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी लगती है, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए। तो मैं सोची जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, क्यों ना मैं यहाँ पे बैठ के ही उनको ये सब दिखा पाऊँ, इसीलिए मैंने ये शूट किया। सभी का तो कोलकाता आना पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ पे हैं तो ये सब मैं कर पा रही हूँ। और ये चित्ता जो अंदर बैठा हुआ है, मैंने जो सर्कल लगाया है कैमरा पे, यदि ये भी जानवर बाहर होते क्या ये चुपचाप बैठ पाए? बिल्कुल भी नहीं। और ये जंगल कैट है जो बेचारी इधर उधर ही घूमते हुए अपना जीवन यापन कर रही है। अब ये आ गया हमारा नेशनल एनिमल। वैसे तो हम गर्व से कहते हैं कि हमारा नेशनल एनिमल है, लेकिन देखिए हमारे नेशनल एनिमल की क्या हालत है, जो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है। अब जो बात कर रहे हैं हम वाइट टाइगर की, इसे ब्लीच टाइगर भी कहा जाता है। इसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इट इज़ फाउंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ओडिशा इन द सुंदरबन रीजन एंड स्पेशली इन द फॉर्मर स्टेट ऑफ गोवा। सच टाइगर हैज द ब्लैक स्ट्रीक टिपिकल ऑफ द बंगाल टाइगर बट कैरीज अ वाइट। स्ट्रिप्स हैं और ये वाइट कलर का है, ब्राउन ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स थी। ये काफी देर सोया हुआ था, हमें इसका वेट करना पड़ा जगने के लिए। चुकी थी ये अपना खाना तलाश रहा था, बट इनका तो एक प्रॉपर टाइम होता है, उसके ड्यूरेशन में इनको खाना दिया जाता है। तो ये बेचारा अपना राउंड लगाते हुए इधर उधर घूम रहा है। ये सुंदरबन के इलाके में, आसाम में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, इन जगहों पे काफ़ी पाए जाते हैं। ये इनके मेन रीजन होते हैं, इन्हीं जगहों पे ये पाए जाते हैं। इसको भूख लगी है और इसका वो जो आप साइड में देख पा रहे हैं वो दरवाज़ा है, वहाँ से इसको खाना दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देख के काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे, मैं जल्दी ही इसका सेकेंड पार्ट भी आपके लिए लेके आऊँगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी वीडियो लाती रहूँगी। यहाँ पे कोलकाता में काफ़ी फेमस जगह हैं, मैं धीरे धीरे सभी की वीडियो शूट करूँगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बेचारा भूख की वजह से राउंड लगा रहा है इधर उधर। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। देखिए जितना जूम हो सकता था मैं थोड़ा नज़दीक से बनाने की कोशिश कर रही थी। क्या हालत हो रखी है बेचारे की। ये भी बिल्कुल सूखा हुआ सा था, जो रियल में एक होना चाहिए। इन जानवरों में बिल्कुल भी मैंने वो नहीं देखा, थोड़ा कमज़ोर थे पर लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, हमने भी किया। अच्छा प्लेस है, हम काफ़ी देर वहाँ पे रुके। अपनी जब भी आप लोग वहाँ पे जाते हैं, अपनी बेडशीट लेके जाइए, वहाँ पे बिछा के अपना खाना प्रॉपर लेके जाइए। हम चाय और लंच लेके गए थे, इवनिंग तक वहीं पे रहे, काफ़ी इंजॉय किया। फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा, मैं जल्दी ही इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। और अपना ध्यान रखिए, सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।